भूल जाओ कि मैं अपार शर्मा हूँ, भूल जाओ कि मेरी इतनी घनी दाढ़ी आती है। अरे भूल जाओ यार, अरबन गबरू है यार, भूल जाओ। बस इतना फर्ज करो कि आप में से कोई एक सब्सक्राइबर यहाँ पे खड़ा है और वो सब्सक्राइबर ऐसा है जिसकी ये जो दाढ़ी है ना वो आती नहीं। मेरे पापा की आती, मेरे भाई की आती, मेरे चाचा की आती, लेकिन मेरी दाढ़ी आती नहीं। मेरे फ्रेंड की आती, मेरी गर्लफ्रेंड की आती, मेरे गर्लफ्रेंड के एक्स की भी आती, लेकिन मेरी दाढ़ी आती नहीं। और इतनी हजारों वीडियोस यूट्यूब पे आती, लेकिन इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती नहीं। और इस चैनल की शुरुआत भी बीएड के कॉन्टेंट से हुई थी, लेकिन आजकल बीएड के ऊपर वीडियो आती नहीं और आनी चाहिए भी नहीं भाई, क्योंकि आज जो वीडियो आई है, जिस टॉपिक पे वीडियो आई है ना, ना इस तरीके की वीडियो पहले आई थी ना आगे आएगी, क्योंकि आज हम पुरानी और बचकानी बातें पीछे छोड़ रहे हैं और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको जल्दी से रिजल्ट मिले। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन हाउ टू ग्रो योर बियर्ड फास्टर इनटू 100। चलते पहले पॉइंट पे। अब आपको करना है क्या, सिंपली देखो, चीक पे दाढ़ी आती है, फेस वाले एरिया पे आती है ना, तो आपको इसी एरिया को मसाज करना है यूं यूं राउंड राउंड रोज रोज, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए और बढ़ेगी कैसे, जो आपके पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, जो आपके फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर से बाल निकलते हैं वो चार्ज हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग आपकी बियर्ड की हो जाएगी। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है बस यूं गोरी के गालों पे हाथ घुमाए और दाढ़ी आ गई, ऐसा नहीं है। 10 मिनट तरीके से आपको इसको यूं टाइट करके यूं करके मसाज करना है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और बेहतर तरीका है कि आप कैस्टर ऑयल या फिर आर्गन ऑयल, इन दोनों को यूज़ करो, वो स्किन पे थोड़ा सा अपनी ऐसे उंगलियों पे लेना और दोनों जगह पे लगा के उसको यूं मसाज करते रहना 10 मिनट तक डेली करना। लेकिन उसके बाद जो तीसरी टेक्निक आती है वो और भी ज़्यादा साइंटिफिक है, जो कि डर्म रोलर वाली। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दी थी एग्जैक्टली डर्म रोलर के ऊपर, तो आप वो भी अपवर्ड मोशन में ऊपर नीचे यूं करके रोल कर सकते हो, उससे भी जो हमारे फॉलिकल्स है वो चार्ज होते हैं और बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब मुझे पता, आपको ये वर्ड सुनते ना आपके दिमाग में दो चीज़ें आती होंगी, पहला मैस्टर्बेशन और दूसरा बॉडी बनाना। लेकिन इसके अलावा भाई, मैनलीनेस के जितने भी ट्रेट्स होते हैं सबको टेस्टोस्टेरोन डिफाइन करता है, सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं होती। तो जेनेटिक्स के अलावा टेस्टोस्टेरोन सबसे बड़ा ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से हमारी दाढ़ी आती है या नहीं आती, वो उसी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी ज़्यादा हमारी बियर्ड ग्रोथ होती है। तो आपको नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करना है, आपको टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड फूड्स ही खाने हैं, जैसे कि एग्स होते हैं, नट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, गार्लिक होता है, लेमन होता है, बनानास होते हैं, ट्यूना फिश होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर आप गूगल सर्च भी करते हो जो मैंने बताई उसके अलावा भी आपको मिलेंगी, तो वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करो और ट्राई करो कि डेली कुछ ना कुछ आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में कंज्यूम कर रहे हो। एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा एलिमेंट है अगर टेस्टोस्टेरोन की बात आती है। जब आप बूस्ट कर रहे हो, जब आप वो सारा खाना खा रहे हो जिससे बूस्ट होगा, उस टाइम पे एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो वो डबल स्पीड से बूस्ट होगा और जितनी जल्दी वो बूस्ट होगा उतनी जल्दी आपकी दाढ़ी की स्पीड भी बूस्ट होगी। अब आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो इन तीनों केसेस में भाई सपोर्टर पहनना जरूर, बनना ये ना हो कि एक जगह टेस्टोस्टेरोन ऊपर जा रहा है लेकिन सपोर्टर ना पहने की वजह से नीचे आ रहा है। तो डेली आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, भले आधा घंटा ही, जिम नहीं भी जा रहे हो तो भी एक्सरसाइज को थोड़ा सा टाइम आप जरूर दो। उसके अलावा आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जो आते हैं, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। बट प्लीज़ 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 नेचुरल की तरफ ही जाना, रेनाउन ब्रांड्स की तरफ ही जाना, जैसे कि वाओ का टेस्टो बूस्ट भी आता है, हिमालय का गोक्सुरा आता है, पतंजलि का अश्वगंधा आता है, वैसे ही आपको हज़ारों इंडियन मेड नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप उनको कंज्यूम कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से, लेकिन बस नेचुरल ही लेना। अब पॉइंट नंबर 3 में आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर है, लेकिन उससे पहले मैं बियर्ड ऑयल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बियर्ड वाले कंटेंट में बताया कि अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे एक भी बाल नहीं है और बियर्ड ऑयल लगाते ही आपकी जीडी या बाबा रामदेव जैसी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपकी पैची बियर्ड है या फिर आप टाइम दे रहे हो बियर्ड को बढ़ने का, उसके ऊपर अगर आप बियर्ड ऑयल लगाओगे तो आपको डिफरेंस जरूर दिखाई देगा, आपकी बियर्ड जरूर बेटर होगी। लेकिन अब इतने सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद अरबन गबरू ने अपनी एक्सपर्टीज डाली एक नए प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है बियर्ड ग्रोथ ऑयल बूस्टर, जिसमें बहुत सारी बाबा जी की भी और जड़ी बूटियां डाली गई हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो बियर्ड को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। और इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया वो क्या क्या है, एक तो ब्रह्मी है इसमें, इसमें भृंगराज है जो सबको पता है हेयर ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा इसमें खसखस ग्रास है जिसको हम हिंदी में खस भी बोलते हैं, उसके अलावा इसमें शंख पुष्पी, इतना भारी इंग्रेडिएंट भी है जो मैं बोल भी नहीं पा रहा, इतना भारी इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है ताकि आपकी जो दाढ़ी है वो भारी हो जाए। वाह, क्या लाइन बोली, कितना आभारी हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हो इस रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला को खरीदना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप इसको खरीद के अपनी बियर्ड पे लगाना है कैसे, मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ। जैसे हम पहले बियर्ड ऑयल लगाते थे, सेम उसी तरीके से आपको पाम्स पे लेके अपनी दाढ़ी में इसको लगाना है और भूल जाना है।
और पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको 400वीं बार बताना चाहता हूँ कि लेट इट ग्रो, बियर्ड को बढ़ने तो दो। इतनी किस बात की जल्दी है भाई, ऐसा तो है नहीं रिश्ता नहीं मिलेगा, दाढ़ी नहीं आएगी तो। ज़रा सी दाढ़ी आती नहीं है क्या आप उसको उड़ा देते हो कि भाई दाढ़ी क्यों नहीं आ रही है, उसको बढ़ने दो। टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी जैसी भी आ रही आने दो, बियर्ड ऑयल लगाते चलो, पेशेंट बने रहो, दाढ़ी ज़रूर आएगी। और ना कमेंट करके बताना अपने उस कमीने दोस्त का नाम जो आपको बार बार बोलता है भाई उस तरह मार ले दाढ़ी वापस से आ जाएगी, उसका कमेंट करके मुझे नाम बताना, उसको मैं बताऊंगा। लास्ट पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब भी बियर्ड ग्रोथ की बात आती है, जो कि है बायोटिन। अब देखो मैं कोई शेफ नहीं हूँ कि आपको मैं सब्जियां बना नहीं सकूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। आपको क्या कैसे खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें कुछ आप खा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जब बायोटिन की बात होती है तो आपको दो टाइप के विटामिन कंज्यूम करने हैं, विटामिन बी के ही ऑब्वियसली, विटामिन B12 और B7 सबसे ज़्यादा हेयर ग्रोथ को यही प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो आम चीज़ें आपके घर के नीचे से ही आपको मिलेंगी उसमें से आपको क्या खाना है, एक तो आप होल एग्स खा सकते हो जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो खाना, एप्पल्स खा सकते हो, बनानास खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, ओट्स बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप ब्रेड के स्लाइसेस खा सकते हो, उसके साथ आप सैल्मन फिश कंज्यूम कर सकते हो, दूध पी सकते हो, बहुत ऐसी चीज़ें यार जो आपको नीचे जाके मिल लेंगे और आपको पता भी नहीं होगा इनके अंदर विटामिन बी है, पता होना चाहिए ना तभी तो खाओगे। उसके अलावा आप नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हो जो बायोटिन एनरिच्ड होते हैं, और ब्रांड्स मैंने आपको कुछ पहले भी बताए थे वो ही ब्रांड्स ये प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, या फिर जिस पे भी आपको भरोसा है कि हाँ भैया मुझे पता ये सेफ ही बनाएगा और मेरे बजट में बनाएगा, नेचुरल भी बनाएगा, आप उससे खरीद लो बायोटिन और उसको कंज्यूम करना चालू कर दो। तो ये थे कुछ 5 मेरे ऐसे पॉइंट जो आपकी हेल्प करेंगे फास्ट बियर्ड ग्रो करने में। इसके अलावा मिनोक्सिडिल एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि अभी इंडिया में थोड़ा सा इनफेमस है, इसीलिए मैं ढंग से रिसर्च उस पर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जितनी वीडियोस देखी और जितना उसके बारे में स्टडी करा है वो बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है। अगर कहीं से आपको मिलता है, आई थिंक इंडिया में एक आध कंपनी ही बना रही होगी उसको, वो भी अगर आप लगाते हो तो उससे भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाता है, और मैंने वो मंगवा भी लिया इंग्रेडिएंट, उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसके लिए जल्दी आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट भी मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, उससे भी जरूरी है इसको शेयर करना, वीडियो बढ़ेगी तभी तो लोगों की दाढ़ी बढ़ेगी। और अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, घर वालों के साथ रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो भी है गबरू अर्बन गबरू। मेरे पापा की आती, मेरे भाई की आती, मेरे चाचा की आती, लेकिन मेरी दाढ़ी आती नहीं। गर्लफ्रेंड की आती, मेरी गर्लफ्रेंड की एक्स की भी आती, लेकिन मेरी दाढ़ी आती नहीं। कि बियर्ड ऑयल से अगर आपको ये लगता है कि आपके सफ़ेद पे फेस पे बोलना जीडी या बाबा रामदेव जैसी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी आ जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ जरा भारी भारी शब्द जो मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा, वैसे भारी भारी शब्द हमने शब्द समझा गया।